कई सालों पहले किसी राज्य में निकिता नाम की एक रानी राज करती थी। फिर एक दिन निकिता की बेटी राजकुमारी शोभा अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की सैर कर रही थी। तभी एक बूढ़ी जादूगरनी की नजर शोभा पर पड़ती है। वो बूढ़ी जादूगरनी बहुत ही लालची और मतलबी थी। राजकुमारी शोभा के सुंदर कपड़े और गहने देख बूढ़ी जादूगरनी को बहुत जलन होती है और उसे अपनी गरीबी पर बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो बूढ़ी जादूगरनी शोभा को रोककर उसे कहती है, सुनिए राजकुमारी जी, मैं रोज यहाँ से आपको आते जाते देखती हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत हो, मैंने आपके जैसी खूबसूरत राजकुमारी आज तक नहीं देखी। मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है? आप मेरी झोपड़ी में चलिए, मैं आपको स्वादिष्ट आम का रस पिलाऊंगी, जिससे पीने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे वाह, मुझे तो आम का रस बहुत पसंद है, चलिए चलते हैं। उसके बाद राजकुमारी शोभा बूढ़ी जादूगरनी की झोपड़ी में पहुंच जाती है। आज बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है, मैं अपने काले जादू की शक्ति से इस राजकुमारी को एक चुड़ैल के रूप में बदल दूंगी, उसके बाद मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। फिर वो बूढ़ी जादूगरनी आम के रस में काले जादू के मंत्र पढ़ देती है। बेचारी राजकुमारी इस बात से अनजान सारा आम का रस पीकर वहां से चली जाती है। लेकिन महल जाते ही राजकुमारी के शरीर में बड़े बड़े काले बाल प्रकट हो जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा बदसूरत बन जाता है। अपनी बेटी की हालत देख रानी निकिता हैरान हो जाती है। अरे ये मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया? मंत्री जी जल्दी से राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाकर लाइए, फौरन एक बड़े जानकार वैद्य को बुला लाइए। राजकुमारी जी पर किसी ने काला जादू किया है, मेरी दवाइयाँ उस पर कोई असर नहीं करेगी, धीरे धीरे कुछ ही दिनों में राजकुमारी पूरी तरह एक चुड़ैल के रूप में बदल जाएगी। ये सुनकर निकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कुछ भी करके मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। राजकुमारी जी को ठीक करने का अब सिर्फ एक ही उपाय है, यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर उल्टा उड़ने वाली परियां रहती हैं। हमें किसी एक परी को पकड़कर यहाँ लाना होगा, उसके बाद उस परी की आंखें निकालकर मैं राजकुमारी की आंखों से बदल दूंगा, फिर सुंदर होने के साथ साथ राजकुमारी बहुत सारी शक्तियों की मालकिन भी बन जाएगी। वैद्य की बात सुनते ही रानी निकिता खुश हो जाती है। मैं इसी वक्त पहाड़ी पर जाकर किसी एक परी को पकड़कर लाती हूँ। फिर निकिता अपने घोड़े पर सवार होकर पूरब दिशा की पहाड़ी की ओर चल देती है। काफी लंबे सफर के बाद वो पहाड़ी पर पहुँचती है। उसे अपने सामने एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी परियां उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं। निकिता वही एक पत्थर के पीछे छुपकर उन पर नजर रखने लगती है। थोड़ी ही देर में सारी परियां हवा में उल्टा उड़ती हुई वहां से चली जाती हैं। अरे ये सब परियां तो उड़कर यहां से चली गई, अब मैं क्या करूं? तभी निकिता को एक छोटी परी दिखाई देती है। उसके बाद निकिता चुपके से छोटी परी के पास पहुंच जाती है और उसके चेहरे पर बेहोशी की दवा छिड़क देती है। फिर कुछ ही पलों में वो परी बेहोश हो जाती है। उसके बाद निकिता उसे उठाकर महल ले जाती है। ये देखिए वैद्य जी, मैं उल्टा उड़ने वाली एक छोटी परी लेकर आई हूँ, आप जल्दी से इसकी आंखें निकालकर मेरी बेटी की आंखों में बदल दीजिए। तभी वो छोटी परी होश में आ जाती है। अपने आप को अनजान लोगों के बीच देख वो जोर जोर से रोने लगती है। तुम लोग कौन हो और मेरी माँ के पास मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। खामोश हो जा, तू अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, थोड़ी ही देर में तू मरने वाली है। ये सुनकर छोटी परी बुरी तरह घबरा जाती है। फिर वैद उस परी के हाथ पैर बांधकर उसकी आंखें निकालने की तैयारी शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे मानना नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, कोई मुझे बचाओ।
तभी अचानक महल की खिड़कियां तोड़कर ढेर सारी उल्टी उड़ने वाली परियां वहां आ जाती हैं। फिर एक परी अपनी चोटी से रानी निकिता को पकड़कर उसे फर्श पर पटकना शुरू कर देती है। हाय, मर गए रे, कोई बचाओ मुझे। अपने स्वार्थ के लिए तुम इंसान किसी भी हद तक जा सकते हो। तूने इस मासूम परी को मारने की कोशिश की है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ दीदी, तुमने सही कहा, इस रानी को इसी वक्त मार कर इस महल को जला दो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब किया है। इतना कहकर निकिता जोर जोर से रोने लगती है। निकिता को रोते हुए देख उन सभी परियों को उस पर तरस आ जाता है। तभी एक परी राजकुमारी को देखकर कहती है, अरे ये क्या, इस पर तो खतरनाक काला जादू किया गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो रानी, हम तुम्हारी बेटी को बचा लेंगे। उसके बाद वो परी अपनी शक्ति से वहाँ एक पिंजरा प्रकट कर देती है और मंत्र पढ़ने लगती है। फिर अगले ही पल वो बूढ़ी जादूगरनी उस पिंजरे के अंदर प्रकट हो जाती है। क्यों रे बूढ़ी जादूगरनी, तुझे राजकुमारी पर काला जादू करके इस चुड़ैल बनाने की कोशिश की है, चल जल्दी से अपना जादू वापस ले, वरना मैं तुझे जलाकर मार दूंगी। परी की धमकी सुनकर बूढ़ी जादूगरनी घबरा जाती है। फिर अगले ही पल जादूगरनी के सामने एक बड़ी तलवार प्रकट हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं भी अपना काला जादू वापस लेती हूँ। उसके बाद जादूगरनी मंत्र पढ़कर अपना जादू वापस ले लेती है। फिर शोभा राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बेटी को स्वस्थ देख निकिता बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ वो सभी परियां उस बूढ़ी जादूगरनी को एक बिल्ली बनाकर जंगल में छोड़ देती हैं। इस तरह उस बूढ़ी जादूगरनी को उसके किए की सजा मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर उल्टी उड़ने वाली परियां अपने लोग चली जाती हैं। चंदापुर नाम के गांव में विशाखा नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। विशाखा के माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। वो दोनों अपनी सारी कमाई विशाखा की पढ़ाई और उसके रहन सहन में खर्च कर देते थे। फिर एक दिन विशाखा बाजार में खरीदारी कर रही थी, तभी गायत्री नाम की एक औरत की नजर विशाखा पर पड़ती है। गायत्री एक अमीर औरत थी। विशाखा की खूबसूरती देख गायत्री उस पर मोहित हो जाती है। सुनो बेटी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? विशाखा गायत्री को अपने बारे में सब बता देती है। फिर अगले दिन गायत्री अपने पति और बेटे के साथ विशाखा के घर पहुंच जाती है। सुनिए बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गायत्री की बात सुनकर विशाखा के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहन जी, आप लोग इतने अमीर हो और हम गरीब मजदूर हैं, हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। उसके बाद शादी की सारी बातें तय हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विशाखा के पिताजी को शादी में होने वाले खर्चा की चिंता सताने लगती है। लड़के वालों ने हमसे दहेज नहीं मांगा, लेकिन हमें शादी में बारातियों की खातिरदारी अच्छी तरह करनी होगी, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। देखिए, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और इसकी शादी एक अमीर घर में हुई है। मैं तो कहती हूँ हमें अपना घर गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहिए, शादी के बाद हमारी बेटी उस घर में राज करेगी, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही गांव के लाला से कर्ज ले लेता हूँ। उसके बाद विशाखा के पिताजी घर को गिरवी रखकर गांव के लाला से 2 लाख रुपए कर्ज ले लेते हैं। फिर विशाखा के माता पिता शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक सड़क पार करते समय विशाखा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है। जब ये बात गायत्री को पता चलती है तो विशाखा को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर देती है। बहन जी ऐसा मत करिए, हमारी बेटी बहुत ही गुणी है, वो आप लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और कभी शिकायत का मौका नहीं देगी।
अरे पागल औरत, मैंने तेरी बेटी की खूबसूरती देखकर उसे अपनी बहू बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब तो बदसूरत बन चुकी है। मैं ऐसी बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, चल जाए यहाँ से। दूसरी तरफ इस तरह अपनी जिंदगी में अचानक ऐसा तूफान से विशाखा पूरी तरह टूट जाती है। विशाखा जब भी अपने माता पिता को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। मेरे माता पिता के दुखों का कारण मैं हूँ, अब तो मेरा चेहरा भी बदसूरत बन गया है। पूरी जिंदगी कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करने वाला। मैं अपने माता पिता को इस तरह दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए आत्महत्या करके मैं अपने माता पिता को चिंता से मुक्त कर दूंगी। उसके बाद विशाखा आत्महत्या करने गांव के पास वाले समुन्दर में पहुंच जाती है, लेकिन तभी समुन्दर में रहने वाली एक जलपरी विशाखा को देख लेती है। ठहर जाओ, इस तरह आत्महत्या करना बुरी बात है। आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या कष्ट है जो तुम आत्महत्या करना चाहती हो? विशाखा जलपरी को अपनी सारी परेशानी बता देती है। विशाखा की बात सुनकर जलपरी को बहुत दुख होता है। अरे ये बेचारी लड़की तो बहुत परेशान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद जलपरी अपने पास एक छोटा सा तीर कमान बाहर निकालकर आसमान की ओर तीर चला देती है। अगले ही पल समंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष तैयार हो जाता है, साथ ही वहाँ एक लंबी सीढ़ी भी प्रकट हो जाती है। अब तुम्हें सीढ़ी पर चढ़कर इंद्रधनुष पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरी दो परी सहेलियाँ रहती हैं। तुम उन दोनों से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, फिर वो दोनों तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देंगी। विशाखा फौरन सीढ़ी पर चढ़कर इंद्रधनुष पर पहुंच जाती है। वहाँ मौजूद दोनों परियां उसे वहाँ आने का कारण पूछने लगती हैं। विशाखा दोनों को जलपरी के बारे में सब बता देती है। उसके बाद एक परी विशाखा को वहाँ मौजूद जादुई अंडे के अंदर बैठा देती है और अगले ही पल वो अंडा गोल गोल घूमने लगता है। थोड़ी ही देर में विशाखा राजकुमारियों की तरह खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन गई। मुझे खूबसूरत बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम दोनों बहनें इसी तरह दुखी लोगों को दुख दूर करती हैं। ये लो ये जादुई पर्स, तुम अपने पास रखो, इस पर्स में मौजूद पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वो दोनों परियां विशाखा की जिंदगी पूरी तरह बदल देती हैं। उसके बाद वो दोनों विशाखा को एक जादुई झाड़ू पर बैठाकर उसे उसके घर तक पहुंचा देती हैं। विशाखा की खूबसूरती देख उसके माता पिता दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद विशाखा की शादी शहर के एक धनवान घर में हो जाती है। उसके बाद विशाखा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ खुशी से रहने लगती है।